रूबीना के पिता मकैनिक हैं, माँ मैटरनिटी सेंटर में काम करती है। रूबीना को जन्म से ही पोलियो की बीमारी है, बावजूद इसके पूरा घर मेडल से भरा है। अब इसमें एक और ब्रॉन्ज मेडल शामिल हो गया है। रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता और पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला पिस्टल निशानेबाज बन गई। रूबीना के पिता कैंट बोर्ड जबलपुर में मैकेनिक का काम करते हैं। रूबीना ने देश का नाम रोशन किया। बेटी की जीत पर पिता का क्या रिएक्शन है, ये आप खुद देखिए। मेरा नाम है साइमन फ्रांसिस, बेटी का नाम रूबीना फ्रांसिस। वो 15 साल की उम्र से गनफन ग्लोरी में प्रैक्टिस करती थी और प्रैक्टिस करने के बाद वो आगे बढ़ती चली गई और गनफन ग्लोरी एकेडमी जो है उधर पे खेलती थी वो। और प्लस मैं मोटर मैकेनिक हूँ कैंट बोर्ड में, और ये हमारे सारे स्टाफ हैं, सब बहुत ही अच्छे स्टाफ हैं जिनका हम लोग जिनका सहयोग भी मिला स्टाफ का हमको, जो आज हम अपनी बेटी को इतना पहुंचाने में कामयाब रहे। आपकी बेटी क्या करती है और क्या बीमारी थी? और बीमारी उसको पैदाशी से पैर उसके तिरछे थे, पोलियो बोलते जो है वो था उसको। उसके बाद मैंने उसका इलाज कराया डॉक्टर जानदार के यहाँ, दो ढाई साल, तो काफ़ी फ़र्क है, अभी तो 50% सही हो गई वो। उसकी एज 23 साल की उम्र है। पढ़ाई में क्या किया? प्याली में वो बी कॉम करी, अब एम कॉम करने जा रही है। जीएस कॉलेज से बी कॉम करी है, अब सेंट अलोसी से एम कॉम कर रही है। माँ वगैरह क्या करती है? माँ मेरी मिसेस जो है वो प्लस सुनीता फ्रांसिस का नाम है, और वो प्रसूति गृह में नर्स का काम करती हैं। मेरा एक बेटा है उसका नाम एलेक्जेंडर है, वो भी गुजरात में गैस कंपनी में काम कर रहा है। आपकी बेटी का कैसा सफ़र रहा है, कितनी चुनौतियाँ रही? अरे चुनौतियाँ तो माँ बाप के लिए तो चुनौतियाँ तो बहुत दिन भर माँ बाप उसको क्या उसको तो झेलेंगे ना, उसको करेंगे सब। आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम पर पहुँचेंगी और हमारा नाम? नहीं, मौका नहीं, उसकी दिलचस्पी इतनी तगड़ी थी बहुत ज़्यादा, मैं तो कुछ भी कर लूँ मगर उसकी दिलचस्पी, उसकी मेहनत इतनी बहुत वो थी जो सफल है, आज सफल हुई वो। और अभी भी आगे भी जाने के लिए वो सोचती मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊँगा, अभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, मेरे परिवार का सपना पूरा नहीं हुआ, खास करके उनके मेरे पापा मैं मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। आपकी बेटी कहाँ पर गई थी और कौन से ब्रॉन्ज मेडल जीता था? मेरी बेटी पेरिस गई थी, पेरिस पैरा ओलंपिक में, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता 31 तारीख को। सीएम से लेके सीएम तक ट्वीट करते हैं? हाँ सब करते अभी किए उनने, पीएम ने भी किया और मुख्यमंत्री ने भी किया, कल हमारे इधर वो आए थे क्या नाम से सांसद। कैसा लग रहा है? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, बड़ी खुशी की बात है। कभी आपकी बेटी को लगा हो ऐसा कि मेरे पापा मैकेनिक है, माँ प्रसूति गृह में काम करती है, मैं इस मुकाम पर पहुँचूँ? अब खैर उसको लग तो लगता होगा, मगर फिर भी उसने सोचे कि हमारे बाबा माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ूँ, तो ऐसा उसने कर दिखाया पूरी जबलपुर वासी प्लस पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्या सपना है बेटी का आगे? आगे बेटी का गोल्ड मेडल का है। शादी के बारे में कुछ सोचा आपने? नहीं, अभी मैं प्लस शादी के बारे में तो मैं उसी के ऊपर छोड़ूंगा, वो जो भी चाहेगी मैं उसके ऊपर निर्णय लूँगा। और भी ऐसे पैरालिसिस बच्चे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? अरे उनको मैसेज क्या, वो भी बेचारे अच्छे खेल रहे हैं उनके साथ। वो है क्या, अग्नि लखेरा, वो गोल्ड मेडल मारी, उसकी सहेली है, उसने गोल्ड मेडल मारी। कभी हौसला टूटा है आपकी बेटी का, कभी ऐसा मूड आया हो परिवार में? नहीं, कभी नहीं आया। एक्चुअली माँ बाप इतने वो थे ना, माँ बाप बड़े उससे मेहनत करवाया उससे, तो कहाँ से वो टूटेगी हौसला, उसका तो हौसला बढ़ते ही गया। जैसे ही बेटी ने जीता तो क्या रिएक्शन था? अरे बाप रे, रिएक्शन की तो बाप रे, खुशी खुशी नहीं है उसकी, तो वो नहीं है, सीमा ही नहीं है उसकी तो। आपको कैसे जानकारी लगी कि बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता? मैच देख रहे थे हम लोग टीवी में। हाँ, फिर उसके बाद बेटी का कॉल आया था? हाँ, बेटी कॉल मैच ही देख रहे थे हम लोग, देखते देखते हम लोग को जो कि बहुत बढ़िया खेल रही थी वो, तो उसका लास्ट साउंड था 8 पॉइंट कुछ का शॉट मारी, जब वो ब्रॉन्ज मेडल नहीं तो वो रजक मेडल था उसका। बेटी से क्या बात हुई फिर कॉल पर? बेटी तो कॉल किया, बहुत खुश थी, बहुत ही इतनी खुश थी वो, फिर बात ही नहीं कर पाई, इतनी खुशी थी उसको।